हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड सिक्स। वी आर इन चैप्टर नंबर 10 डेटा हैंडलिंग, सॉरी चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में 9.4 एक्सरसाइज, जो आज आखिरी एक्सरसाइज है, उसको इसका वीडियो मैं भेज रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है कि पिछले वीडियो में आपने 9.3 में ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया हुआ था और ग्राफ को देखते हुए क्वेश्चन आंसर्स देने थे, जिसका वीडियो मैंने आपको भेजा था। 9.4 में आपको क्वेश्चन में से ग्राफ बनाना है, लेकिन इसके लिए आपके पास ग्राफ बुक होनी चाहिए और एक अच्छी सी पेंसिल, शार्पन पेंसिल होनी चाहिए। तो ये जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ, जो 9.4 का, उसमें आप ग्राफ बुक में ही इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब तक आपने जो भी किया था वो नोटबुक में किया था वो चलेगा, लेकिन ये जो है ग्राफ बनाना है, इसलिए उसके लिए ग्राफ बुक आपको चाहिए। तो जब भी ये वीडियो आप देखने बैठो तो आपको पास ग्राफ बुक होनी चाहिए, और अगर मेरे साथ ग्राफ कंस्ट्रक्ट करोगे तो बहुत आसान रहेगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं इसका, जिसमें आपको ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। अब क्वेश्चन ये है कि अलग अलग 120 बच्चों पर सर्वे किया गया था कि उसकी फेवरेट एक्टिविटी कौन कौन सी है। तो कितने बच्चों, जो बच्चे दिए हैं, जिसमें मैं बताता हूँ कि प्लेइंग, जिसको खेलना अच्छा लगता है, ऐसे 45 स्टूडेंट्स थे। रीडिंग स्टोरी बुक्स 30 स्टूडेंट्स थे। वॉचिंग टीवी 20 स्टूडेंट्स थे। लिसनिंग टू म्यूजिक 10 स्टूडेंट, और पेंटिंग में 15 स्टूडेंट्स थे। तो ऐसे मिलाकर 120 स्टूडेंट्स पर सर्वे किया गया था, और जो ये सर्वे है उसका एक मुझे ग्राफ बनाना है। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरह से इस ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं सब। तो ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास स्केल चाहिए, और मान लीजिए ये आपको पेंसिल से ही करना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि वो लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो बॉल पेन का यूज़ करते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस नीचे का ड्रॉ करना है, और एक इस तरह का वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दीजिए, जो कि वाई एक्सिस है। अब जो एक्स एक्सिस पर है वो मैं सारी एक्टिविटीज लिखूंगा, और वाई एक्सिस पर ड्राइंग लिखूंगा, ठीक है। अब जो एक्टिविटीज है उसमें पहले प्लेइंग है, तो यहां पे डाल दीजिए प्लेइंग। फिर है रीडिंग बुक्स, तो दूसरा है रीडिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां। तीसरा है वॉचिंग टीवी, चौथा है लिसनिंग टू म्यूजिक, तो लिसनिंग म्यूजिक, और पांचवा वाला है वो पेंटिंग है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की, जब भी आप वाई एक्सिस पर ये जो नंबर्स डालो तो आपको एक स्केल चूज करनी है। यहाँ तो हालांकि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी स्केल दी गई है कि आपको 1 यूनिट लेंथ, मतलब 5 स्टूडेंट्स लेने हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ लिख देना है। फिर 5 स्टूडेंट्स है तो मैं यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45, मैक्सिमम कितने दिए हैं, तो 45 दिए हैं, बस वहाँ तक जाना है। मैक्सिमम अगर 40 दिए हैं तो आपको 45 तक जाना है। फिर आपको बार ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक्टिविटी है प्लेइंग, जिसमें 45 स्टूडेंट्स हैं, तो प्लेइंग में 45, मतलब यहाँ 45 तक जाना है और आपको बार ड्रॉ कर देनी है। ये भी आप स्केल से ही ड्रॉ करेंगे, अपने हाथों से लाइन नहीं खींचेंगे, इट लुक्स वेरी डर्टी। और यहाँ पे ये 45 के लेवल पर आना चाहिए, वो याद रहे आपको। फिर रीडिंग
सेकंड एक्टिविटी है रीडिंग बुक्स, दैट इज 30। तो आपको यहाँ 30 पर पहले ऐसे स्केल से मार्क कर लेना है और फिर बार ड्रॉ करना है। फिर वॉचिंग टीवी 20, तो 20 पर अपनी स्केल से लेवल लेकर आप कर सकते हो टीवी, ये होगा 20 20। और बच्चों जो नेक्स्ट एक्टिविटी है आफ्टर वॉचिंग टीवी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। तो लिसनिंग टू म्यूजिक में जो है वो 10 स्टूडेंट्स है, तो आपको 10 का लेवल लेकर यहाँ पे लिसनिंग टू म्यूजिक वाला ग्राफ में जो बार है वो बार ड्रॉ कर देना है। और जो लास्ट वन है पेंटिंग, इसमें 15 स्टूडेंट्स की इंटरेस्टेड है, तो 15 पर जाकर वो लेवल लेकर ये बार ड्रॉ करना है। दिस 15 स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ योर बार ग्राफ इज रेडी। तो बच्चों ये बार ग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो स्केल चूज करना होता है, तो वो स्केल चूज करनी चाहिए हमारे ये वर्टिकल लाइन पर जो वाई एक्सिस है, ताकि आपको ये बार ड्रॉ करने में कोई परेशानियाँ ना हो। ये क्वेश्चन में तो ऑलरेडी आपको स्केल दी ही गई थी कि आपको 1 unit = 5 स्टूडेंट्स लेना ही है, लेकिन कभी कभी वो देते नहीं है। जब वो देते नहीं है तो आपको अपने आप स्केल चूज करनी होती है, ठीक है। तो वो आप फिगर्स को देखकर अप्रोप्रिएट वे पर स्केल चूज कर सकते हो, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ड्रॉइंग बार इन परफेक्टली, बार ड्रॉ कर भी आप इसको कलरफुल बना सकते हो, अंदर डिजाइन भी ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग तरीके से, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, ताकि लोगों को देखते ही पता चल जाए कि वो कहना क्या चाहते हैं, यही उनका मकसद होता है। तो इसके साथ ये 9.4 एक्सरसाइज पूरा और ये चैप्टर भी पूरा हो रहा है, बाकी के 3 सम इसमें है, दैट विल बी योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट इट। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेजना, मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको होमवर्क ज़रूर करते रहना है, और ये जब प्रैक्टिकली करोगे तो ही पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।